फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आलम बात फिटनेस गाइडलाइंस। तो आज आप लोगों को दिखाने वाला है कि ये जो 4OA थर्मोस्टैटिक वाल्व है, तो 4OA और 6OA पे टू थर्मोस्टैटिक वाल्व का अपर पार्ट कैसे फिटिंग करना है। तो ये है इसका अपर का कवर, ये प्लास्टिक गार्ड है, ये सीमेंट नगों से इसलिए इसका अपर पार्ट दिया जाता है। और इसका एक एक कैप का अलग अलग के स्क्रू रहते हैं, नीचे की तरफ स्क्रू रहते हैं। तो ये स्क्रू खोल कर निकालना है। तो इसका पांच जो हेड दिख रहा है, चार आउटलेट का और सबसे नीचे का जो हेड है ये थर्मोस्टैटिक वाल्व का। तो इसको ये स्क्रू खोल के ग्लास जैसा निकल जाएगा। तो ये निकालना है, उसके बाद इसका ऊपर का जो प्लेट है, प्लेट को फिटिंग करेंगे। देखिए, मैंने निकाल लिया ग्लास जैसे ये गार्ड को। गार्ड निकालने के बाद इसका अपर का जो प्लेट है, लंबा वाला प्लेट है, तो प्लेट का को इसका ऊपर में एक बार बैठाना है। बैठन के दिखाना है कि इसका प्लास्टिक का जो ये स्लीव्स दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो ये कितना बड़ा हो रहा है। तो एक बार देखना है, मैंने बैठा लिया, ये लगा दिया ऊपर में इसका कवर। तो ये कवर देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो काफ़ी बड़ा होने का कारण से इसका एक पहले स्लीव्स ऊपर में लगा लेंगे, जो मेटल स्लीव्स है, हेड है। तो देखिए इतना गैप हो गया, यानी ये ज़्यादा कंसील नहीं हुआ, ये अपर पार्ट ये सटेगा नहीं, ये हेड जो है सटेगा नहीं। इसका थ्रेडिंग है, ये ध्यान रखिएगा लगाने के टाइम पे ये कम से कम टेढ़ा ना लगे। टेढ़ा लगने से प्लेट में सटेगा नहीं। तो इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के इसको काट लेंगे। ये प्लास्टिक का जो स्लीव्स है तो व्हाइट कलर का, तो इसको काट देंगे जितना बड़ा हो गया। तो ये जितना बड़ा हो गया उसको काट के सभी का, ये चार का काट के छोटा करना है। तो छोटा करने के बाद ये जो आपका हेड है, हेड का भी स्क्रू है, ये फीमेल थ्रेड है, और ये प्लास्टिक गार्ड का तो आपको दिख ही रहा है, ये अपर थ्रेड यानी मेल थ्रेड है। तो इसको काटना है। ये काटने का टाइम पे ध्यान रखिएगा कम से कम टेढ़ा ना हो जाए। टेढ़ा होने से ये चूड़ी भी टेढ़ा ही लगेगा, क्योंकि ये चूड़ी जो है ये टेढ़ा लगेगा तो आपका बॉडी में सटेगा नहीं। तो ये जो पतला वाला हेक्सो है उससे कटिंग कर लीजिएगा और सीधा कटिंग कीजिएगा। देखिए, मैंने कटिंग कर लिया, चारों का कटिंग कर लिया, ये चारों आउटलेट का जो हेड लगेगा तो चारों कटिंग कर लिया। इसके बाद हम इसका हेड लगाएंगे, और हेड लगाने का टाइम पे आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा टेढ़ा ना लगे। टेढ़ा लगने से बॉडी में फिटिंग नहीं होगा और हिल देगा, ये जब आप मूव कीजिएगा तो हिलेगा घुमाने का टाइम पे। तो देखिए, मैंने इसका फिटिंग कर लिया। तो देखिए, ये सही से अगर टेढ़ा लग रहा है तो देखिए ये जाएगा नहीं, ये टेढ़ा लग रहा है इसीलिए जा नहीं रहा है ये। और अगर सही लग रहा है तो ये एक चांस में आपका इजी लग जाएगा। देखिए, मैंने ये लगा दिया, एक को लगा दिया, तो यानी सब आपका सही हो जाएगा। इसका मेजरमेंट भी जो कटिंग किया हुआ मैंने, ये सही है। तो ये कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद देखिए, मैंने पांचों का हेड लगा लिया। नीचे का हेड का उसका कवर नहीं रहते, इसको डायरेक्टली हेड को घुसा के इसको स्क्रू से, एलिंग स्क्रू से इसको टाइट करना है। तो मैंने ये ट्रिम फिटिंग कर लिया। तो ये ट्रिम फिटिंग हो गई, देखिए कितना अच्छा फिटिंग हो गया। तो ये देखने के लिए थैंक यू। ये ट्रिम